नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनपो। दोस्तों इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करने वाले हैं कि शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने विभाग से मांगा है ब्यौरा, तो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए चर्चा को शुरू करने से पहले रेड कलर के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपके अपने मोबाइल पे। सवैतनिक प्रशिक्षण पर गया प्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए सरकार ने जिलों से ब्यौरा तलब किया है। विभाग के सचिव आर एल चुंगू ने इस संबंध में जिलों को दिशा निर्देश भी जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जो नियोजित शिक्षक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय में नामांकित हैं या जिन्होंने 2017-19 के सत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उनका ब्यौरा विभाग को मुहैया करा दे ताकि शिक्षकों के अवकाश अवधि का वेतन मुहैया कराया जा सके। अधिकारी संबंधित महाविद्यालयों से प्रशिक्षण अवधि में शिक्षकों की उपस्थिति का भी ब्यौरा प्राप्त कर लें ताकि भुगतान में किसी प्रकार की त्रुटि न हो पाए। तो विभाग ने अपना कदम बढ़ा दिया है। जो भी शिक्षक सवैतनिक अवकाश पर ट्रेनिंग कर रहे थे उनके वेतन भुगतान की प्रक्रिया के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी खबर है शिक्षकों के लिए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि सबको जानकारी मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय शिक्षा, वंदे मातरम। तो संगठन पूरी